दोस्तों बिहार बोर्ड से बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, आप ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हैं, इंटर एडमिशन 2021 को लेकर के। वैसे बच्चे जो इसी वर्ष मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे बिहार बोर्ड या अन्य बोर्ड से भी, वे लगभग 3 महीनों से इंतजार कर रहे थे कि इंटर में एडमिशन कब होगा, बिहार बोर्ड इंटर का एडमिशन का नोटिफिकेशन कब जारी करेगी। तो आज बिहार बोर्ड ने इंटर नामांकन की तिथि जारी कर दी है, मैं इसे दिखाऊंगा, बिहार बोर्ड की विज्ञप्ति भी दिखाऊंगा और साथ ही OFSS बिहार 11th एडमिशन ऑनलाइन कैसी होती है, इसकी प्रक्रिया कैसी होती है, ये भी मैं बताऊँगा। तो मैं बता दूँ कि 19 जून से इंटर नामांकन शुरू हो रहा है, तो चलिए वीडियो में बने रहें और देखिए बिहार बोर्ड से किस तरह का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और कैसे आवेदन होगा, कितना फी लगेगा, किस तरह से आवेदन किया जाएगा, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो बने रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए बिहार बोर्ड के ट्वीट को मैं दिखा देता हूं कि यहां देखिए बिहार बोर्ड का ऑफिशियल, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑफिशियल ट्वीट है कि सत्र 2021-2023 के लिए इंटरमीडिएट कक्षा में बिहार के शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए तिथि दिनांक 19/6/2021 से, याद रखिएगा तिथि, 28/6/2021 तक निर्धारित करने के संबंध में आवश्यक सूचना और यह विस्तृत जानकारी के लिए लिंक भी उन्होंने दे दिया है। तो जैसे ही लिंक को खोलेंगे कुछ इस तरह का, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ और इसी लिंक में ये जो सूचना निकली है, विज्ञप्ति निकली है, सारी जानकारी है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे। तो देखिए मैं बताता हूँ, मैं अपना पेन निकाल लेता हूँ, मैं बताऊँगा जहाँ जहाँ जो आवश्यक है, सूचना तो बहुत बड़ी है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सत्र 2021-23 के लिए इंटरमीडिएट कक्षा में राज्य के उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी या गैर सरकारी उच्च विद्यालय या इंटर महाविद्यालय या गैर सरकारी डिग्री महाविद्यालय या अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय में ऑनलाइन नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना, ध्यान से देखिए, और विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे आवेदन करने से पूर्व इस विज्ञप्ति को पूरा पढ़ें। आपसे कहा जा रहा है कि इससे पहले कि आप आवेदन करें इस विज्ञप्ति को पूरा पढ़ें और OFSS वेबसाइट www.ofssbihar.in से कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर उसे पूरा पढ़ें और उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन करने में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप अभी से इस वेबसाइट पर चले जाएं और कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने की कोशिश करें, अभी डाउनलोड नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो देखिए जैसा कि मेन मैं बात बताता हूँ कि ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि 19/6/2021 से 28/6/2021 तक ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि निर्धारित की गई है और अतः इंटरमीडिएट कक्षा की में नामांकन लेने के इच्छुक दिनांक 19/6/2021 से 28/6/2021 के बीच ऑनलाइन आवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। ध्यान देंगे अन्य बोर्ड के बच्चे भी, बिहार बोर्ड के अलावा CBSE ICSE एवं अन्य बोर्ड के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी ऑनलाइन आवेदन देने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। चूंकि CBSE एवं ICSE बोर्ड के मैट्रिक यानी 10वीं परीक्षा का जो परीक्षा फल है, रिजल्ट है, अभी घोषित नहीं हुआ है। चूंकि एक यहाँ यह भी देना चाहिए था कि मैट्रिक का जो भी स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो भी अभी जारी नहीं हुआ है, तो ये तय हो गया है कि आज नोटिफिकेशन निकला है, 19 से शुरू होगा, तो इसका मतलब है कि कल या परसों 2 दिनों में ये तय है कि मैट्रिक स्क्रूटनी का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, तो जब भी CBSE और ICSE बोर्ड के विद्यार्थियों का परीक्षाफल जारी किया जाएगा तब CBSE और ICSE बोर्ड के विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा, ये ध्यान लीजिए। अब देखिए क्या है कि आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि सामान्य आवेदन प्रपत्र एवं सामान्य सूची पत्र समिति की वेबसाइट www.ofssbihar.in पर दिनांक 17 जून 2021 के अपराह्न 3 बजे से उपलब्ध रहेगा, इसलिए अभी इस वेबसाइट पर जाने से कोई लाभ है नहीं। आप कब जाएंगे तो 17 जून को 3 बजे के बाद जो है आपको कॉमन जो प्रोस्पेक्टस होता है उसको पढ़ना है ध्यानपूर्वक। मैं मुख्य बातें बता देता हूँ चूँकि बहुत सा नोटिफिकेशन है। सबसे पहले, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने तैयार रहने की बात कही थी, तो ध्यान दीजिए क्या करना होगा कि एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी का इस्तेमाल मात्र एक आवेदन भरने के लिए ही किया जाएगा।
अब ऐसा है कि कोई दो भाई हैं या भाई बहन हैं, उनके पास एक ही मोबाइल है और उसी एक मोबाइल का नंबर देंगे तो नहीं काम करेगा, इसलिए अलग अलग मोबाइल नंबर देना होगा और ईमेल आईडी भी देना होगा। मैंने उस वीडियो में भी बता दिया था कि आप तैयार रहेंगे इसके लिए। और सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नामांकन पत्र भरने के पूर्व पिछले वर्ष OFSS के माध्यम से राज्य के विभिन्न इंटर कॉलेज में लिए गए नामांकन हेतु जारी की गई सूची का कट ऑफ मार्क्स OFSS पोर्टल पर पहले अवश्य देख लें। यानी कट ऑफ क्या होता है इसके संबंध में मैंने वीडियो बना दिया था, यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, मैं आई बटन में दे दूंगा कि कट ऑफ क्या होता है। और चूंकि आपको 17 तारीख को जाना है उस वेबसाइट पर, तो आप देख लेंगे कि किस कॉलेज में कौन कितने नंबर पर एडमिशन हुआ था, तो आपको एक मोटा मोटी जानकारी मिल जाएगी कि हम मेरा एडमिशन कहाँ हो सकता है। अगली सूचना है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नामांकन हेतु विभिन्न विद्यालयों का विकल्प सावधानी पूर्वक चुनें। ध्यान दीजिए, यानी आप, मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि आप अभी से तय कर लें कि मुझे 20 विकल्प कौन कौन सा देना है, 20 चॉइस कौन कौन सा देने हैं, किस किस स्कूल या कॉलेज में मैं एडमिशन लूँगा। क्योंकि OFSS के माध्यम से फॉर्म भरते समय एक बार विकल्प चुनने के पश्चात वही सारे विकल्प यानी ऑप्शन अंतिम विकल्प माने जाएंगे और नामांकन प्रक्रिया के दौरान उन्हें बदला नहीं जा सकेगा, याद रखिएगा। छठा में कह रहा है कि ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट, जिसको शॉर्ट में OFSS बोलते हैं, का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इसके बारे में बताया गया है। बहुत सारी विधि बताई गई है कि आप सहज वसुधा केंद्र से द्वारा कर सकते हैं, तो इसके लिए कहाँ खोजिएगा, अभी तो ऑनलाइन जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं। उसके बाद जो है, अभी कोरोना काल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से अथवा किसी अन्य स्थान के कंप्यूटर के माध्यम से जिसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो ये भी आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि आवेदन शुल्क जो रखा गया है इस बार 350 रखा गया है, पिछले 2 साल से 300 रुपया ही लिया जा रहा था, लेकिन इस बार आवेदन शुल्क बढ़ गया है। आवेदन शुल्क जो है ये कितना होगा, तो 350 रुपया होगा। तो सबसे मैं आसान तरीका, मैं जब खुलेगा मैं दिखाऊंगा भी कि आप स्वयं भी कर सकते हैं, यदि आपके पास अपनी सुविधा है, आपके पास अपना सिस्टम है, इंटरनेट है, तो आप घर बैठे भी अपने कंप्यूटर से सिस्टम से जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मैं और जानकारी दे दूं, जो मोटा मोटी जानकारी है वो मैं देना चाहता हूं यहां पर, कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक, यदि आप स्वयं कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूं कि OFSS का वेबसाइट खोलना है। मैंने पहले ही बता दिया है कि www. इस वेबसाइट को आप बुक मार्क करके रख लीजिए, क्योंकि बार बार आपको इस पर जाना पड़ेगा, OFSSBihar.in, यानी www.OFSSBihar.in पर जाइएगा, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, उसके दिशा निर्देश को पढ़ना है, चेक बॉक्स आएगा उसको आई एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद जो है आपका ये आवेदन पत्र जो है खुल जाएगा। अब उसमें देखिए क्या करना है आगे। यदि विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्ण की है, यानी आपने क्लास 10th की परीक्षा, मैट्रिक की परीक्षा बिहार बोर्ड से की है, तो क्या क्या उसमें भरना है, उत्तीर्ण होने का वर्ष यानी 2021, रोल कोड भरना है, रोल नंबर भरना है और जन्मतिथि भरनी है, इतनी ही जानकारी भरनी है। इतनी ही जानकारी भरने के बाद अन्य सभी जानकारियां जो है अपने आप डिस्प्ले हो जाएगी, क्योंकि बिहार बोर्ड के पास आपका सारा डाटा है। और यदि अगर आवेदक किसी अन्य बोर्ड से 10वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो यह आवश्यक है कि समान आवेदन प्रपत्र में जानकारी मांगी गई है उसे वे भरें। इसके बाद क्या हुआ कि आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में से सिलेक्ट कर लेंगे, ये प्रक्रिया अपनाएंगे, महाविद्यालय का नाम आएगा, आप डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद उस डिस्ट्रिक्ट में, उस जिला में जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो या जो भी हो, प्लस टू हो, या आपने जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उसी को यदि अपग्रेड कर दिया गया है प्लस टू में, तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसको आप चुनेंगे एक एक करके, न्यूनतम जो है, आप जो है समान आवेदन पत्र में न्यूनतम 10 विकल्प और अधिकतम 20 विकल्प चुन सकते हैं, च्वाइस दे सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप कम से कम 20 च्वाइस दे ही दें। और आपका जो
फर्स्ट प्रिफ्रेंस है, यदि आपका किसी कॉलेज में पहला प्रिफ्रेंस है उसके बाद दूसरा दीजिए कि इसमें नहीं होगा तो इसमें होगा, इसमें नहीं होगा तो इसमें होगा, तो ऐसा करते हुए आप जो है जाएं और लास्ट में क्या किए, जब आपका समाप्त हो जाए तो आप प्रीव्यू देख लें कि जो जो मैंने भरा है वो है कि नहीं। उसके बाद जो है यदि आपको लगता है कहीं कोई गलती हो गई है तो मॉडिफाई का बटन क्लिक करेंगे, नहीं तो कन्फर्म का बटन क्लिक करेंगे। कन्फर्म करने के बाद आपको जो है आपके मोबाइल पर एक OTP चली जाएगी, उस OTP को डालेंगे। OTP डालने के बाद जो है आपको ₹350 का ऑनलाइन भुगतान या तो डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। यदि आपके पास अपनी सुविधा नहीं है तो आप साइबर कैफे में जाकर के भी या जहां कंप्यूटर की सुविधा है वहां भी आप करा सकते हैं। इतना करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे दी जाएगी, एक्नॉलेजमेंट कॉपी दे दी जाएगी, उसको आप निकाल करके प्रिंट लेआउट लेकर के आप रख सकते हैं। और यह भी ध्यान देना होगा यदि किसी कारणवश यदि ये ₹350 का फी यदि नहीं जमा हुआ तो यह मान लिया जाएगा कि आपका आवेदन नहीं हुआ है। तो ये सब बातें जब खुलेगी, ये वेबसाइट खुलेगी तो आपको विस्तृत रूप में बताया जाएगा, मैं करके दिखाऊंगा भी। अभी आप इतना याद रखें कि आपको क्या करना है, तो अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रखना है। इसके बाद जो है आपको अपना फोटो जो है वो रखना होगा, चूँकि वो स्कैन किया जाएगा और उसको उसमें फॉर्म भरते समय उसको डाला जाएगा। और आपका जो एडमिट कार्ड में जो जितने भी आप एडमिट कार्ड रख लीजिए उसमें सारे जानकारी उसमें दी गई है, कब आपने परीक्षा दी है, रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, ये सब करने के बाद जो है आपको आगे की प्रक्रिया होगी। तो अभी तक ये जानकारी थी कि आज ही ये जानकारी निकली है, आज ही ये ट्वीट किया गया है बिहार बोर्ड से कि आपका आवेदन जो है वैसे बच्चे जो मैट्रिक की परीक्षा इसी वर्ष दिए थे और लगभग इंतज़ार कर रहे थे, लगभग 3 महीने से भी अधिक हो गए होंगे कि इंटर में एडमिशन के लिए कब नोटिफिकेशन जारी होगा, तो मैं पुनः एक बार बता दूं कि 19/6/2021 से यानी 19 जून से 28 जून के बीच तक आपको ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे प्रक्रिया होगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा, सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगा, ये सारा वीडियो जो है मैं आपको बताते रहूँगा, समय समय पर बताते रहूँगा। जो लोग नए आए हैं इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास ये जानकारी पहुंच तो गई है लेकिन आपके दोस्तों के पास ये जानकारी नहीं पहुंची है, तो उन्हें भी अवश्य शेयर करेंगे। और जो लोग नए हैं इस मेरे YouTube चैनल पर आए हैं उस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि बिहार बोर्ड से जितनी भी जानकारी निकलती है चाहे वो परीक्षा संबंधित हो या प्रैक्टिस सेट से संबंधित हो, मैं देने का काम करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।